अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लर्नर, आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे नया जो लेक्चर देने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। क्या नाम है इस टॉपिक का? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। अभी जेनेटिक्स क्या है, हम जेनेटिक्स के मतलब बात करते हैं। जेनेटिक्स जो है वो स्टडी है, जूलॉजी की एक ब्रांच है जो कि स्टडी फ्राम करती है हमें उन खासियतों की, उन करैक्टरिस्टिक्स की, उन ट्रेट्स की जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने वाली खासियतों को जब भी हम स्टडी करेंगे वो स्टडी जेनेटिक्स कहलाएगी। अब वो स्टडी जो जेनेटिक्स कहलाती है वो खासियतें, वो ट्रेट्स, वो करैक्टर, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, तो उन जो है वो ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का जिम्मेदार जीन है। जीन है जो एक जनरेशन की खासियतों को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है और उनका जिम्मेदार कौन है? जीन है। अब जीन क्या है? जीन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, मैंने अगर कल इस्तेमाल किया इसलिए जाके वहां पे डीएनए भी हो सकता है, ये फर्ज किया ये कोई क्रोमोसोम है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। इस क्रोमोसोम पर ये जीन्स पड़े हुए हैं, ये जीन्स है। मैं क्या फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि यहां पे जनाब ये पड़े हुए हैं, जीन्स पड़े हुए हैं। जीन्स ही वो हैं जो इनहेरिटिकल करैक्टर्स को, वरासती करैक्टर्स को आगे पहुंचाते हैं, उनको जीन्स कहा जाता है। तो फर्ज क्या, ये कोई जीन ए है, बी है, वगैरह 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 जो भी है एटसेट्रा, तो ये एक जीन है। अब इस जीन को अगर हम यहां से उतारते हैं, ये एक सेगमेंट है, ये फर्ज किया हमने, कहा कि जनाब इसको हमने जीन कह दिया, ये वाला ये एक जीन है। अब जीन क्रोमोसोम पर जिस पोजिशन में पाया जाता है, जिस जगह पे पाया जाता है, कोई भी जीन हो, कोई भी जीन है जो क्रोमोसोम पर किसी जगह पे पाया जाता है, उस जीन, जीन की उस पोजीशन को जिस साइड पे पाया जाता है उसको लोकस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लोकस कहा जाता है, मतलब वो साइट है जहां पे जीन प्रेजेंट है उसे लोकस कहा जाता है। दैट्स अ सिंगुलर वर्ड, ये सिंगल है, अकेला लोकस है, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? लोकाय। क्या होगी? लोकाय होगी। तो ये जीन की वो साइट है जहां पे वो क्रोमोसोम पर पड़ा होता है, वकू पजीर होता है, पाया जाता है, उसे लोकस कहते हैं। अब अगर हम इस जीन को लेते हैं, मजीद इसकी स्टडी करते हैं, तो ये कुछ हमें यूं करके लिपटा हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है, और इस लिपटे हुए स्ट्रक्चर में दो चीजें मजीद पड़ी होती हैं, एक डीएनए है और दूसरा इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। क्या है? एक डीएनए, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि कलेक्टिवली न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। क्या बनाती है? न्यूक्लियोसोम बनाती है। अब ये है क्रोमोसोम जिस पे जीन्स पड़े हुए हैं, जीन्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं एक्चुअली। अब ये जीन जो है ये विरासती खासियतों को कंट्रोल करता है, जेनेटिक प्रैक्टिस को कंट्रोल करता है। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, उसे क्या कहा जाता है? अलील कहा जाता है। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील कहा जाता है।
अभिजीन हमेशा पेड़ की शक्ल में पाया जाता है। ये अलग बात है, जब नई जनरेशन में जो है वो पहुंचते हैं तो एक उसका जीन जो है वो एक पार्टनर से आता है, दूसरा दूसरे पार्टनर से आता है, वहां पे मिलते हैं, जाइगस में मिलते हैं, जाइगोट में मिलते हैं, देन वो इफेक्ट होता है कि जनाब कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, किसने अपनी डोमिनेंस शो करनी है, किसने रिसेसिव में शो करनी है। कि जब दो जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा दूसरे जीन की मौजूदगी में वो रिसेसिव होगा। अब एक डोमिनेंट हो जाएगा, एक रिसेसिव होगा, जो डोमिनेंट ट्रैक्ट होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही फिनोटाइप में आगे शो हो जाएगा। रिसेसिव जो है वो मौजूद तो होगा मगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब ये जीन्स है, हमने जीन्स की बात कर ली, हमने कहा जनाब इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म अलील है, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म जो अलील है, तो जीन्स की टाइप्स में अगर हम बात करने जाते हैं तो जीन्स की टाइप्स में क्या है, हम डिस्कस करते हैं कि जनाब ये जीन्स की जो टाइप्स हैं ये और क्या हो सकती हैं। तो पहली है कंप्लीमेंट्री जीन्स। क्या है जनाब? कंप्लीमेंट्री जीन्स है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फिनोटाइप को शो करना है, किसी स्पेसिफिक फिनोटाइप को लाना है, एक्सप्रेस करना है, तो दो जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मगर उन दोनों जीन्स में कोई रिसेसिव नहीं होगा, कोई डोमिनेंट नहीं होगा, कोई डोमिनेंट नहीं होगा, कोई रिसेसिव नहीं होगा, बोथ जीन्स जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मगर वो जो फिनोटाइप, स्पेसिफिक फिनोटाइप है जिसे जो है वो एक्सप्रेस करना है, जिसे लाना है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो स्पेसिफिक ट्रेट, वो स्पेसिफिक फिनोटाइप उन दोनों जीन्स के अलावा नहीं हो सकती अगर उनमें से कोई एक भी अकेला हो जाए, क्योंकि अकेला जीन ना तो डोमिनेंट होगा ना ही रिसेसिव होगा। फर्ज किया मैं कहता हूं कि जनाब ये है, तो ये दोनों जीन्स ने मिलके एक्सप्रेस करना है, दोनों जीन्स ने मिलके ही अपने नई फिनोटाइप, जो स्पेसिफिक फिनोटाइप है उसको लाना है। अगर हम कहते हैं कि जनाब यहां पे कोई अकेला जीन है, तो अकेला जीन ना ही डोमिनेंट होगा ना ही रिसेसिव होगा, तो दोनों को मिलके एक्सप्रेस करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। दूसरा क्या हम कहते हैं? सप्लीमेंट्री जीन्स। क्या कहते हैं जनाब इसको? सप्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री जीन्स क्या है? इसमें अगर स्पेसिफिक जो है वो जीन है, स्पेसिफिक जो है वो उसको फिनोटाइप को एक्सप्रेस करना है, तो एक जो है वो अपने आप को कंप्लीटली तौर पे, एक जीन जो है वो अपने आप को कंप्लीटली तौर पे एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जो दूसरा है उसके अंदर पोटेंशियल तो है, उसके अंदर पोटेंशियल तो है एक्सप्रेस करने का, मगर उसे एक्सप्रेस करने के लिए पहले का सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्ट क्या, कैसे कि अगर हमारे पास एक माइस है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है, एक माइस है जो कि ब्लैक कलर की है और दूसरी साइड पे जो है वो अल्बिनो है, अल्बिनो माइस है। अब अल्बिनो माइस अकेली नहीं कर सकती एक्सप्रेस उस तरह, क्यों? अब अच्छा, ब्लैक माइस जो है वो खुद ही एक ब्लैक कलर रखती है, वो फिनोटाइप दे सकती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब क्या है कि वो जो है इंडिपेंडेंटली ब्लैक जो है वो अपने आप को दे सकती है, मगर अल्बिनो जब ब्लैक के साथ मिलेगी तो नतीजतन जो है वो ब्राउन कलर जो है वो तकरीबन डेवलप होगा, और वो अब इसमें क्या हुआ, ब्राउन कलर में जो माइस पैदा हुई उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए जो है वो अल्बिनो को ब्लैक के साथ जो है वो एक्सप्रेस करवाना पड़ा,
और नतीजतन जो है वो जीन्स एक्सप्रेस हुई, वो फिनोटाइप एक्सप्रेस हुई, ऐसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। अब दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे है जनाब हम बात करते हैं तीसरी टाइप उसकी बात करते हैं, एक ये कंप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री, और तीसरी आ गई कौन सी जनाब, डुप्लीकेट। अब यहां पे डुप्लीकेट जीन्स की बात की जाए, अब डुप्लीकेट जीन्स जो है ये म्यूटेशन का एक जो है वो फैक्ट है, मतलब कि ये एक सेटअप है, ये कोई मैं कहता हूं फर्ज किया ये एक जीन का सेटअप है। अब इस सेटअप में एक ए बी है, बी है, सी है, डी है, ई है, सो ऑन, लेकिन इसके अंदर अगर हम इसका सेटअप यू नजर आता है, ए बी और बी डबल हो जाएगा सी डी ई। अब एक्चुअली एक ट्रेट को जो एक जीन का सेटअप यहां पर मौजूद था, एक जीन यहां पर मौजूद था वो फिनोटिपिकली उसको प्रेजेंट कर रहा था, ए अकेला था, बी अकेला था, सी अकेला था, डी हर एक अपनी अपनी ट्रेट को प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ अब यहां पे जो है वो बी डुप्लीकेट हो गया म्यूटेशन की वजह से। अब ये डुप्लीकेट जीन जो है वे उसका पेयर जीन नहीं है, क्या हम कहें कि वो पेयर जीन था, जैसे हमने पहले बोला कि वो दोनों मिलके फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे, वो उसका पेयर जीन नहीं है, वो म्यूटेशन की वजह से आ गया। अब ये डुप्लीकेट जीन है, ये जरूरी नहीं है कि भाई ये उसके साथ मिलके ही फिनोटाइप एक्सप्रेस करे, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो उसके साथ नहीं भी होगा तो फिनोटाइप को एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो डुप्लीकेट जो पार्टनर है वो उसकी मर्जी वो एक्सप्रेस करे, कुछ और एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। ये होता है जनाब डुप्लीकेट जीन्स यहां पे दोनों एक्सप्रेस तो करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं दूसरे के, मगर वो उस तरह का पार्टनर्स नहीं होते जो एक जायगोट में जाते हैं, और वो एक जायगोट में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मिलकर एक ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं, यहां पे वो जो है डुप्लीकेट पार्टनर जो है वो अपनी भी एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से आया, वो नेचुरली नहीं आया। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं डुप्लीकेट के बाद है पॉलीमेरिक जीन्स, क्या है पॉलीमेरिक जीन है। अब पॉलीमेरिक जीन में क्या है कि इसमें कोई जीन आ तो जाता है, ऐड तो हो जाता है, इसमें एडिशन तो हो जाती है, कोई जीन ऐड तो हो जाता है, मगर ये जरूरी नहीं है, ये डुप्लीकेट की तरह का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसी तरह की कंडीशन यहां पे ले आता हूं, ये अब ये कंडीशन थी उस जाने दूसरी जाने ये कंडीशन, अब यहां पे बी डुप्लीकेट तो आ गया, मगर बी इस फ्रेम के अंदर ऐड भी हुआ है, एक जीन इसके अंदर ऐड हुआ है, मगर वो इसकी कॉपी भी है जैसे डुप्लीकेट है। अब आप कहेंगे कि डुप्लीकेट और पॉलीमेरिक में क्या फर्क हुआ, पॉलीमेरिक में ये हो सकता है, मतलब ये है कि अगर वहां पे हमारे पास ये है, हमारे पास फ्रेमवर्क है, तो जरूरी नहीं कि वो किसी जीन का डुप्लीकेट भी बन जाए, वो म्यूटेशन के नतीजे में कोई और भी आ सकता है, म्यूटेशन के नतीजे में कोई और जीन भी आ सकता है। अब ये है डुप्लीकेट, ऐड तो होता है जीन पॉलीमेरिक जीन के अंदर ऐड तो होता है, मगर वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, डुप्लीकेट नहीं भी हो सकता, वो कोई और भी हो सकता है, जैसे कि एफ जीन्स को, या मैं समझाने के लिए जैसे या पे एफ को ऐड करवा दिया, वो ऐड हुए। अब इसमें आके ऐसा नहीं है कि वो जनाब उसके साथ मिलके ही स्पेसिफिक फिनोटाइप को लेके आएगा, ऐड हुआ है, म्यूटेशन आ गई है, वो ऐड होने वाला जीन उसका पार्टनर तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको हेल्प भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ये चीज है। उसके बाद है सेक्सुअल जीन्स, सेक्स लिंक जीन्स हुए हैं। अब इन सेक्स लिंक जीन में हम बात करते हैं तो दो क्रोमोसोम, दो सेटअप होता है, एक एक्स वाई एक एक्स एक्स। अब हम जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल को क्या नोटिफाई करवाता है, और एक्स वाई जो है वो मेल को करवाता है, क्योंकि इसके अंदर जनाब मेल आ गया, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर
SRY रीजन मौजूद होता है, सेक्स रिप्रेजेंटेटिव वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है, मौजूद होता है जो कि मेल को रिप्रेजेंट करवाता है, और XX जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करवा रहा है। अब जैसे अब इसमें जो X वाला है वो Y के मौजूदगी में रिसेसिव है, Y की मौजूदगी में रिसेसिव है, और ये सिर्फ सेक्स रिप्रेजेंटेटिव ट्रेट्स को ही लेकर चलते हैं। अब जैसे वो कहता है जी अगर कोई मां है वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, बाप जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनका क्रॉस करवाया जाएगा, तो जब उनका क्रॉस करवा के फर्ज क्या मतलब इनको क्रॉस करवाया जाता है जनाब, ये क्रॉस करवा दिया और एक कॉम्बिनेशन इसका ये है कि एक एक्स एक्स बनेगा जी, एक जो है वो एक्स वाई बन सकता है फॉर एग्जाम्पल, ये आ सकता है। अब इसमें चूंकि मां जो है उसके पास जो है वो डिजीज थी कलर ब्लाइंडनेस की, ये ऊपर सी बी लिख रहा हूं कलर ब्लाइंडनेस से, तो ये जो एक्स एक्स है क्योंकि एक्स दोनों मौजूद हैं तो इसलिए नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज होगी, अगर जो कि फीमेल है उसके अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस वाली, तो फीमेल ही आगे जो पैदा होगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस होगी, मेल के अंदर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हाँ एक्स क्रोमोसोम जो है वो कलर ब्लाइंडनेस वाला मेल के अंदर आ सकता है लेकिन उसमें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? एक्स एक्स जो है वो वाई की मौजूदगी में रिसेसिव है और वाई डोमिनेट कर जाता है, वाई की मौजूदगी में एक्स जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। नतीजतन अगर एक्स के पास वो डिफेक्टिव जीन है भी सही, डेलिटेरियस जीन है भी सही, तो वाई की मौजूदगी में कांट एक्सप्रेस दे। तो ये जनाब है वो सेक्सुअल जीन्स हैं जो सेक्स कैरेक्टर्स को जो है वो उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दो, अब ये म्यूटेशंस भी हो रही हैं, हमें नजर आ रही हैं म्यूटेशंस भी होती हैं, डेलिटेरियस भी इफेक्ट होते हैं, एडिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। अब इनमें दो तरह की जेनेटिक्स का मुशाहिदा किया जाता है, एक फॉरवर्ड जेनेटिक्स, क्या है जनाब, एक फॉरवर्ड जेनेटिक्स और दूसरी है रिवर्स जेनेटिक्स। क्या है? रिवर्स जेनेटिक्स है। अब फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है, रिवर्स जेनेटिक्स में क्या होता है? फॉरवर्ड जेनेटिक्स में यह है कि अगर कोई जीन में म्यूटेशन आ गई है, किसी जीनोम में म्यूटेशन आ गई है, कोई जीन ऐड हो गया है, कोई जीन डुप्लीकेट हो गया है, या उसकी फ्रेम शिफ्ट हो गई है, जो भी म्यूटेशन आई है, अगर कोई जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई है, जीनोम के अंदर म्यूटेशन आ गई है, अब यह देखना है कि वो अगली जनरेशन में वो जो म्यूटेट जीन था, वो जो म्यूटेशन की वजह से जीन पैदा हुआ था, क्या वो अगली जनरेशन में वो म्यूटेशन वाला जीन डोमिनेट करता है या कम फंक्शन दिखाता है। देखो क्योंकि अगर वो म्यूटेट जीन जो है वो अगली जनरेशन में चला जाता है और अगली जनरेशन में जाने के बाद वो ज्यादा सारे फैक्टर्स पैदा कर रहा है अपने म्यूटेशन वाले दूसरे के निस्बत, जो म्यूटेशन वाला था वो ज्यादा फैक्टर्स पैदा कर रहा है, म्यूटेशन वाला ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो डोमिनेट हो जाएगा, वही म्यूटेशन वाला जीन जो है वो डोमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सप्रेस तो कर पा रहा है लेकिन कम एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो रिसेसिव म्यूटेशन वाला जीन हो जाएगा, म्यूटेंट जीन हो जाएगा। या फिर दूसरा ये है कि वो म्यूटेशन वाला जीन दूसरे पार्टनर जीन पे मास्क कर जाए, उस पर जो है वो ओवरहैम कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है, एपिस्टेसिस शो कर जाएगा। अब इस कंडीशन में फॉरवर्ड जेनेटिक्स में हम म्यूटेशंस का पता तो लगाते हैं, क्या जीनों में तब्दीली आई पता तो लगाते हैं, लेकिन इसमें किसी ऑर्गन को लॉस नहीं हो रहा है, म्यूटेशन म्यूटेशन वाला जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहा है, वो फर्दर कोई जो है वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा रहा है, उसको ला रहा है। इसके जरिए फॉरवर्ड जेनेटिक्स में हम ये चीज मालूम करते हैं, जीनोटिपिकली ये चीज मालूम करते हैं कि भाई वो क्या आगे पैदा करवा रहा है, प्रैक्टिस को आगे क्या ला रहा है, इसमें हम जो है उसकी लॉस की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन रिवर्स जेनेटिक्स में हमने क्या देखना होता है, रिवर्स जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि जनाब उसमें क्या होता है कि अगर म्यूटेशन आ जाती है, कोई जीन डिलीट हो जाता है, उसका जीन ही गायब हो जाता है जीनोम से किसी म्यूटेशन के नतीजे में, तो जो जीन लॉस हो गया उस जीन की वजह से जो स्पेसिफिक करेक्टर जो स्पेसिफिक फंक्शन लाना था, जो स्पेसिफिक फिनोटाइप आगे प्रेजेंट होनी थी वो हो ही नहीं पाएगी। क्या है वो?
हो ही नहीं पाया गया, वो म्यूटेशन के नतीजे में आगे जीन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया, आपने आपको शो करवा ही नहीं पाया। तो ऐसी कंडीशन में जब वो अपने आप को शो करवा ही नहीं पा रहा, तो अपने आप को एक्सप्रेस करवा ही नहीं पा रहा, तो नतीजा क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा जनाब कि वो जो है उसे हम क्या कहेंगे, उसे नॉकआउट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हम उसे नॉकआउट कहेंगे। क्यों? इसलिए नॉकआउट कहेंगे जनाब के वो जीन ही उसने अपने आप को जो डिलीट हो गया और आगे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करवा ही नहीं पाया, तो आगे उसका ट्रेड जो है वो पहुंच ही नहीं पाया, उसे नॉकआउट कहेंगे। लेकिन अगर वो आगे जाए तो सही, मगर अपने करेक्टर उसको कम पाए, डिलीट उसके जीन किसी के डिलीट होने की वजह से वो आगे करेक्टर जो है वो आगे पूरी तरह अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, कम शो करे, तो उसे नॉकडाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे नॉक डाउन कहा जाता है जनाब। तो ये जनाब कुछ बेसिक सी चीजें थी जेनेटिक्स के अबाउट। तो होप सो आप लोगों को ये मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो जाफर बायोलॉजी को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और इसको आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट।